खैर आप खड़े क्यों हैं, बैठे ना। नहीं नहीं ठीक है। अम्मी के बाद से मुझे तो लगता है जैसे कोई नहीं है कि मेरा ख्याल रख सके, मुझसे पूछ सके। नवाला भी तो मुझे ऐसे ट्रीट करती है जैसे घर में पड़ी कोई चीज हो जिसकी कोई अहमियत ना हो। कोई फिक्र नहीं है मेरी, कोई ख्याल नहीं है मेरा। ना मुझसे पूछती है, ना देखती है, ना बात करती है, कोई परवाह नहीं है उन्हें। और आप तो जानते ही हैं मेरे साथ फ्रॉड हो गया था। आर्या मेरे पैसे लेकर भाग गई, मुझे कंसोल करने की बजाय मुझे ताने देती रही, जलील करती रही। उस वक्त दिल किया कि ये घर छोड़कर ही कहीं चली जाओ, मगर आप ही बताए इस घर से जाकर मैं कहाँ जाती। है तो कोई भी नहीं है, कौन संभालता मुझे। मम्मा ने भी मेरी जल्दी शादी कर दी, एजुकेशन तक कंप्लीट नहीं होने दी। अगर आज मैं डिग्री होल्डर होती तो कहीं जॉब कर सकती थी। अब आप ही बताए कौन मुझे जॉब देगा, कौन मुझे नौकरी पर रखेगा ऐसे। देखो फलक, तुम परेशान मत हो, तुम कल मेरे ऑफिस आओ, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं नहीं हमजा, इसकी जरूरत नहीं है। पहले मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। बस बोझ बनने वाली कोई बात नहीं है, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, कल तो मेरे ऑफिस आ रही हूँ। ओके पापा, इतना स्टार कर रहे हैं तो आ जाऊंगी मैं। क्या हुआ, हम आला पी के बारे में सोच रहे हैं? मुझे लगा था वो कबीर के साथ रात्ते में नहीं होगी। रात्ते में? वो तो रोज ही ऑफिस जाती है। रात्ता खत्म ही कब हुआ था, आपके मना करने के बावजूद भी? मैं आपको सच बताती हूँ, एक्चुअली नवाल आप ही ने कबीर के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। आप पार्टनर है ना, इसलिए आपकी कोई बात नहीं सुनती। क्या? यकीन करें मुझे भी नहीं पता था। कुछ दिन पहले किससे फ़ोन पर बात करी थी, तभी सुना मैंने। कह रही थी कि कबीर फूड चेन में उनका भी 10% है, तभी पता चला मुझे। यकीन नहीं हो रहा कि नवाल ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मैं क्या ही कह सकती हूँ, जितना आपको सुनकर तकलीफ हुई है उतनी ही मुझे भी हुई है। मगर नवाल आप ही को अपने सिवा किसी की परवाह नहीं। मैं अगर कोई बात कर दूं तो छोटी छोटी बात पर मुझसे लड़ना शुरू हो जाती है। ना बाबा, मैं तो उन्हें कुछ भी नहीं कह रही हूँ, ये किसी की परवाह नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। थैंक यू हमजा। आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाए ना, क्या पता आज वो जल्दी आ जाए ऑफिस से। नहीं मैं चलता हूं, फिर कभी चक्कर लगाऊं। अल्लाह हाफिज़।